तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव को आज दिया तलाक, पूरे बॉलीवुड में मच गई है खलबली, 15 साल बाद टूटा रिश्ता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, बिहार की नीतीश सरकार ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ आरएसएस का मजदूर संघ हुआ नाराज, पीएम मोदी से एक नए कानून को रद्द करने की अब आरएसएस ने की है मांग, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मायावती से बदला लेंगे असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करके मायावती के काटेंगे यूपी में वोट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राफेल विमान सौदे को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के मामले की न्यायिक जांच करेगा फ्रांस, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने सीएम बदलने पर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कांग्रेस बोली उत्तराखंड में खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए मोदी जिम्मेदार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड में मची हलचल, आमिर खान ने अपनी पत्नी को 15 साल बाद दिया तलाक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फिल्म जगत से आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड में तहलका मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि आमिर खान बॉलीवुड के सुपरस्टार ने अपनी पत्नी किरण राव को आज तलाक देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आमिर खान की किरण राव दूसरी पत्नी थी, आमिर खान ने अपनी पहली पत्नी को 2002 में तलाक दिया था, जिसके बाद उन्होंने 28 दिसंबर 2005 में दूसरी शादी किरण राव के साथ की थी। वहीं आपको बता दें कि तलाक देने के बाद अब बॉलीवुड में आमिर खान खूब चर्चा में है। दरअसल आपको बता दें कि किरण राव और आमिर खान का एक बेटा भी है जिसका नाम आजाद खान है। वहीं आमिर खान ने कहा है कि हम अपने बेटे की परवरिश साथ में ही करेंगे, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को भी आज तलाक दे दिया है। साथ ही आमिर खान ने कहा है कि उनके कारोबारी रिश्ते उनके साथ बने रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, नीतीश सरकार ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार की नीतीश सरकार अब सख्त हो गई है, और पंचायत चुनाव को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार में जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें इस बार पंचायत चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, यानी वे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में हलचल तेज हो गई है, और इस ऐलान के बाद अब पूरे प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग पंचायत चुनाव बिहार में नहीं लड़ सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले 1-2 महीने में बिहार में पंचायत और जिला पंचायत सहित कचहरी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नीतीश सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी की है कि जिसके 2 से अधिक बच्चे बिहार में होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, लगातार देश में भाजपा शासित राज्य जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने सबसे पहले इस पर कदम उठा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के विरोध में उतरा आरएसएस, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कारखानों में हड़ताल को गैर कानूनी बनाने वाले अध्यादेश पर अब आरएसएस मोदी सरकार से नाराज हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे पत्र में भारतीय मजदूर संघ ने अध्यादेश को अलोकतांत्रिक तरीके से लाया गया बताया है। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने मजदूर संगठनों से विचार विमर्श किए बिना अध्यादेश लाने का फैसला कर लिया। VMS का कहना है कि आयुध कारखानों के निगमीकरण का काम काफी विवादित हो गया है, और इस पर समय समय पर संगठन की ओर से सरकार को चिंताएं बताई जा रही हैं। ऐसे ही मोदी सरकार कृषि कानून को भी लेकर आई, अब आरएसएस नाराज मोदी सरकार से हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार जो अध्यादेश लाई है उसके तहत फैक्ट्री और कारखानों में मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते, अगर हड़ताल करेंगे तो ये गैर कानूनी होगा और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जाएगा, और इसी कानून के खिलाफ और अब आरएसएस
हो गई है और मोदी सरकार से नाराज होकर आरएसएस ने इस कानून को वापस लेने की मांग की है। तो देखते हैं मोदी सरकार वापस लेती है कानून को या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में मायावती से बदला लेंगे असुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद से करेंगे गठबंधन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असुद्दीन ओवैसी भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं और असुद्दीन ओवैसी ने मायावती से गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन मायावती ने असुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था और ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को वोट कटवा बताया था। जिसके बाद अब मायावती से असुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में बदला लेंगे और मायावती का पूरा खेल असुद्दीन ओवैसी बिगाड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मायावती से गठबंधन ना होने के बाद असुद्दीन ओवैसी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े दलित नेता उत्तर प्रदेश में हैं और भीम आर्मी के वह प्रमुख भी हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो नव युवक हैं वह चंद्रशेखर को पसंद करते हैं और मायावती को नहीं, जिसके बाद अब असुद्दीन ओवैसी मायावती के वोटों को काटने के लिए चंद्रशेखर से गठबंधन करने वाले हैं और मायावती का उत्तर प्रदेश में खेल बिगाड़ कर मायावती से बदला ओवैसी लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा उत्तराखंड में खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए मोदी नड्डा है जिम्मेदार। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता की बंदरबांट करने का आरोप लगाया और दावा किया है कि खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अब उत्तराखंड की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि वह स्थिर और प्रगतिशील सरकार के लिए कांग्रेस को मौका दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि 111 दिन के बाद भाजपा ने उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया है। इससे पहले भी भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदला है, यानी 4 साल में भाजपा ने लगभग 4 मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड में बदल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों उत्तराखंड से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राफेल विमान सौदे को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। फ्रांस ने राफेल सौदे की न्यायिक जांच के लिए एक जज को किया नियुक्त। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमान को लेकर लंबे वक्त से चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फ्रांस ने भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल डील में भ्रष्टाचार की अब न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक फ्रांसीसी जज की भी नियुक्ति की गई है। ये जानकारी एक फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट में दी गई है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार मोदी पर राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगा रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि अब फ्रांस ने जांच के लिए अपना एक जज तैयार कर लिया है और राफेल सौदे की अब न्यायिक जांच फ्रांस कराएगा। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो CAA को लेकर दिल्ली दंगा में कपिल मिश्रा के साथ वीडियो में दिख रहे DSP ने मांगा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। जी दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली दंगों के दौरान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भाषण वाले वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने अपने लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मांगा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के साथ दिखाई देने वाले दिल्ली पुलिस अफसर तत्कालीन पूर्वोत्तर दिल्ली के DCP वेद प्रकाश सूर्य थे। अब उन्हीं वेद प्रकाश सूर्य ने इस साल वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल के लिए अपना नाम भेजा है। दिल्ली पुलिस अधिकारी वेद प्रकाश सूर्य ने यह कहते हुए पुरस्कार मांगा है कि उन्होंने दंगों के दौरान सैकड़ों लोगों के जीवन के साथ साथ संपत्तियों को भी बचाया था और असाधारण काम किया था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। जबकि दिल्ली दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस भी किस तरह से दंगियों का साथ दे रही थी और भाजपा के इशारे पर काम कर रही थी और लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही थी, तो किस तरह से ये गलत पुरस्कार मांग रहे हैं DSP। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कुलगाम एनकाउंटर पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। कहा आरोपों पर सवाई दे मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा करने के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। सुरक्षा बल घाटी में लगातार आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। इन्हीं एनकाउंटर पर अब राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े किए हैं और सरकार से इन आरोपों पर जवाब मांगा है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ होती रहती हैं, लेकिन जब जायज सवाल उठाए जाते हैं तो सुरक्षा बलों को जवाबदेही ठहराए जाने चाहिए। कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए 17 वर्षीय नाबालिग के माता पिता का दावा है कि वह एक निर्दोष नागरिक था। इन आरोपों पर भारत सरकार को सफाई देनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ये बड़ी बात कही है। देखते हैं कि क्या अब सब सवाल देती है भाजपा या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव ने मोदी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास का नारा खूब लगाया जाता है, लेकिन हकीकत में भाजपा केवल कुछ पूंजीपतियों का साथ और उनके विश्वास पर ही काम करती है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि जन सामान्य की तकलीफों को कम करने के बजाय वह उनमें और करने के लिए साजिश भाजपा करती रहती है। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बादी करने के बाद अब वह घरेलू अर्थव्यवस्था को भी चौपट करने में भाजपा सबसे आगे आ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को महंगाई को कम करके पेट्रोल डीजल के दामों को भी घटाना चाहिए, जिससे देश की जनता जो परेशान है उसको राहत मिल सके। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पूरी रथ यात्रा का मामला, उड़ीसा सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संकट काल में जगन्नाथपुरी की विश्व विख्यात वार्षिक रथ यात्रा को सीमित करना पड़ा। ऐसे में रथ यात्रा को सीमित करने के उड़ीसा सरकार के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में इस साल फिर से याचिका दायर हुई है। उड़ीसा सरकार ने पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा को छोड़कर पूरे उड़ीसा के मंदिरों में रथ यात्रा उत्सव को रोकने का आदेश दिया है। उड़ीसा सरकार के इस आदेश को उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, किंतु हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। तो शीर्ष अदालत में याचिका डाली गई है। अब 23 जून को सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है करेगा। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने मांग किया कि कोरोना महामारी के चलते जगन्नाथ में रथ यात्रा को रद्द कर दिया जाए, इससे कोरोना फैल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।